गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना एक न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सोर्सेस एंड इट्स टाइप। देखिए बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, एक इंडिपेंडेंट सोर्स होता है और एक डिपेंडेंट सोर्स होता है। इंडिपेंडेंट सोर्स उन्हें को बोलते हैं जो सोर्स प्रोवाइड कराते हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जैसे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स ये वैसे सोर्स होते हैं जो कि या तो वोल्टेज सोर्स या तो करंट सोर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे सबसे पहला है वोल्टेज करंट वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये ओपन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए डिपेंडेंट सोर्स जो भी है इलेक्ट्रॉनिक्स, एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सोर्स होता है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में इसको पढ़ना होता है। तो अभी हम लोग मोस्टली जो डिस्कस करेंगे वो इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए डिस्कस करेंगे। और डिपेंडेंट सोर्स हमारा VC VS होता है, ओपन में इस्तेमाल होने वाला। VC CS होता है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और करंट कंट्रोल करंट सोर्स। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है एक एक लाइन में आपको मैंने लिख कर दे दिया है, आप इसको ज़रूर याद कर लेंगे, ठीक है। VC VS का होता है ओपन के अंदर, FET के अंदर होता है VC CS, एमिटर फॉलोअर के अंदर होता है CCVS और BJT के अंदर होता है CCCS, ठीक है। तो देखते हैं वोल्टेज सोर्स क्या है। हम लोगों को क्या करना है, आइडियल वोल्टेज सोर्स समझना और प्रैक्टिकल वोल्टेज समझना है। आइडियल वोल्टेज सोर्स वो सोर्स होते हैं जहां पर आपको केवल वोल्टेज सोर्स दिया हुआ रहेगा और वही वोल्टेज सोर्स आपको लोड के अंदर भी मिलेगा या टर्मिनल के अंदर मिलेगा, यानी VT = VS होता है। जबकि आइडियल केस, प्रैक्टिकल केस के अंदर क्या होता है कि जो वोल्टेज सोर्स है उसका अपना एक कुछ रेजिस्टेंस होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ऐसा कंडक्टर या कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिसका कोई खुद का रेजिस्टेंस ना हो। तो जब हम रेजिस्टेंस इंक्लूड कर दे रहे हैं, हालांकि बहुत कम होगा वैल्यू, बट जब जैसे ही रेजिस्टेंस हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया तो प्रैक्टिकल केस हो गया, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज पे वोल्टेज कितना मिलेगा, वह वोल्टेज मिलेगा हमें जो वोल्टेज दे रहे हैं वो, और जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया यानी जो वेस्ट हो गया उसको हटाना पड़ेगा, मतलब जितना दे रहे उतना ना मिल करके बल्कि वह मिलेगा जो दे रहे हैं और जो ड्रॉप हो रहा है उसका, उसको हटा करके जो वोल्टेज मिलेगा वो हमारा टर्मिनल पे वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो हो जाएगा VS माइनस यहाँ ड्रॉप कितना हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज का फॉर्मूला आप निकालिए यहाँ पर कि वोल्टेज ड्रॉप होने का, आपको मैंने पिछले क्लास में ओम्स लॉ में पढ़ाया था, वो फॉर्मूला होता है I × R, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट गुजर रहा है वो हमारा IS गुजर रहा है, ठीक है। IS यहाँ से हम लोगों ने दिखा रखा है कि IS गुजर रहा और RS के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप हो गया IS × RS। इस वोल्टेज ड्रॉप को जैसे ही हम लोग सोर्स वोल्टेज से माइनस कर देंगे तो टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो हमें मिलता हुआ पता चल जाएगा, ठीक है। ग्राफ इसका देख लेते हैं एक बार। सपोज करिए हम लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया था, हमारा जो ग्राफ है यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है ये पॉइंट कि ये वोल्टेज सोर्स हम लोगों ने दिया है। तो आइडियल केस में जो दिया वही मिलेगा हमारा, मतलब हमेशा यही वोल्टेज रहेगा, ये दिखा रहा है आइडियल सोर्स के लिए। जबकि प्रैक्टिकल सोर्स के अंदर क्या होगा कि वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा, मतलब घटेगा, जो दे रहे हैं वह वोल्टेज हमारा टर्मिनल पे नहीं मिलेगा, वो वोल्टेज कुछ कम होगा। तो ये कम करता हुआ मैंने दिखाया कि पहले वोल्टेज VS था बाद में ड्रॉप हो करके मिला, तो वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब करंट सोर्स के लिए देख लेते हैं क्या होता है। करंट सोर्स के अंदर क्या होता है कि हमारा ये सिंबल होता है करंट सोर्स का। पहले तो ये समझना कि करंट सोर्स का सिंबल क्या होता है। ये सिंबल होता है करंट सोर्स का। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका जो IS करंट सोर्स है वही करंट सोर्स हमारे को लास्ट में यानी टर्मिनल पर भी जो है वही करंट मिलेगा। किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, यानी टर्मिनल करंट = सोर्स करंट, ठीक है। तो ये आइडियल केस हो गया। बट प्रैक्टिकल के अंदर क्या होता है, करंट सोर्स का अपना एक कुछ रेजिस्टेंस होगा और वो पैरेलल में होता है। करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है कनेक्शन वो पैरेलल में होता है जबकि वोल्टेज का सीरीज में होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा कि करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तभी हमें करंट बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगर इसको सीरीज में रख देंगे तो आपको पता है ना कि करंट सीरीज में सेम होता है, तो सीरीज में रख देंगे तो फिर कोई भी करंट का आपको ड्रॉप नहीं दिखेगा, वो आइडियल केस ही बन जाएगा। उसी तरीके से वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, इसी वजह से हम लोगों ने सीरीज में वहाँ पर कनेक्ट किया था वोल्टेज वाले केस में, क्योंकि
सीरीज वाला केस में आपको पता चलेगा कि वह कुछ ड्रॉप कर रहा है, वो प्रैक्टिकल केस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो करंट मिलेगा वह करंट कितना मिलेगा टर्मिनल पे, ये जो करंट आ रहा वो, और यहाँ से जो करंट निकल के व्यर्थ हो जा रहा, जो वेस्ट हो जा रहा हमारा, वह करंट को माइनस करेंगे। तो करंट को माइनस करेंगे तो करंट का फॉर्मूला लिख देंगे, करंट का क्या होता है, वी बाई आर। यहाँ पे वोल्टेज हमारा क्या है, वी एस, देखो वी एस टर्मिनल पे है ना, और ये वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, तो वी एस डिवाइडेड बाई आर एस। इस पार्ट में जो करंट जा रहा है वह उसका वैल्यू है वी एस डिवाइडेड बाई आर एस। इसको जैसे ही हम लोग माइनस कर देंगे सोर्स करंट से, वो टर्मिनल पे दिया हुआ करंट हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि टर्मिनल पर प्रैक्टिकल केस में करंट कितना होता है। इसका डायग्राम बना लेते हैं, सेम उसी तरीके से डायग्राम होगा कि आइडियल केस के अंदर जो करंट था हमारा सोर्स, वही टर्मिनल पे मिल रहा है, जबकि प्रैक्टिकल केस में वैसा ना रह करके जो सोर्स करंट है वह ना रह करके जो ड्रॉप हो करके हटा करके जो मिलेगा वो कुछ कम रहेगा, तो प्रैक्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। ये डायग्राम हो गया, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपको ये चीज़ याद रखना है, इंटरनल इम्पीडेंस वोल्टेज सोर्स के अंदर क्या होता है। तो इंटरनल इम्पीडेंस आइडियल केस में, आपको आइडियल केस वाला मैंने बताया था, एक प्रैक्टिकल केस वाला बताया था, तो आइडियल केस के अंदर इंटरनल इम्पीडेंस कितना होता है, जीरो होता है। कनेक्शन देख लीजिए क्या है, ये वोल्टेज सोर्स का हम लोगों ने कनेक्शन दिखाया, ये रेजिस्टेंस को दिखा दिया सीरीज में, तो ये आइडियल केस के अंदर ये जीरो होता है, इसको याद रखेंगे। करंट सोर्स के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इंटरनल इम्पीडेंस आइडियल केस के लिए इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। करंट सोर्स के लिए इंटरनल इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, तो ये जितना ज़्यादा इसका वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा आपका ये आइडियल होगा, क्योंकि सारा का सारा करंट आपको यहाँ पे मिलेगा, इधर एक कोई भी करंट नहीं जाएगा। इनफाइनाइट रहने की वजह से यह एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, पूरा आपका आइडियल केस बन जाएगा वो। अब ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये दोनों तो अभी आपको समझ में आ गया, लेकिन ये जैसे ही समझोगे तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि वोल्टेज सोर्स और वोल्ट मीटर दोनों सेम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, देखिए वोल्ट मीटर के अंदर क्या होता है, भले ये समझे कनेक्शन कैसा होता है। वोल्ट मीटर हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, है ना। तो वोल्टेज को मेजर करना है किसी के, किसी सर्किट के अक्रॉस, तो हम लोग कहाँ उसका कनेक्शन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है पैरेलल में। क्यों, क्योंकि पैरेलल में ही आपको वह वैल्यू देगा जो वैल्यू आपको वो लोड में या जो भी आपने सिस्टम में वोल्टेज गुजर रहा है उसका सेम वैल्यू आप जब तक उसको पैरेलल में कनेक्ट नहीं करोगे तब तक नहीं देगा। इस वजह से वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, ठीक है। अगर आपको ये कनेक्शन समझ में आ रहा है तब आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकोगे कि जब पैरेलल में कनेक्ट हो गया तो आपको आइडियल केस के लिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस निकालना हो तो वह कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। तभी तो सारा का सारा जो वोल्टेज है आपको यहाँ पे इजीली आराम से आइडियल केस का आपको बता सकता है, ठीक है। और एमीटर के लिए आप फिर समझिए कनेक्शन, पहले कि एमीटर का कनेक्शन कैसा होता है। कनेक्शन होता है इसका, अगर कभी भी करंट मेजर करने के लिए किसी सर्किट के अंदर बोला जाए तो आप क्या करोगे, उसको सीरीज में कनेक्ट करोगे। क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। जब तक आप सीरीज में कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कितना करंट वहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्ट करते हो तो उसका इंटरनल इम्पीडेंस जो होता है वो कितना होना चाहिए, जीरो। इसके लिए आइडियल केस के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाता तो अच्छी बात है कनेक्शन, और अगर समझ में नहीं आता है तो डायग्राम तो आपको पता ही है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे देखोगे कि वोल्टेज का सीरीज में कनेक्शन जीरो होता है, सीरीज में कनेक्शन था इसलिए जीरो हुआ, तो आपको दूसरे किसके केस में सीरीज में कनेक्शन हो रहा है, एमीटर, इसका कनेक्शन सीरीज में था इसका भी जीरो होता है। ये एक ट्रिक आप अपना सकते हो याद करने का। फिर करंट सोर्स का आप देखते हो कि यहाँ पे यह पैरेलल में है ना, पैरेलल में वैल्यू इन्फाइनाइट होता है, तो फिर दूसरा कौन सा है जो पैरेलल कनेक्शन में, तो वोल्ट मीटर, इसका भी इन्फाइनाइट होगा, ठीक है। तो जो भी आप ट्रिक अपनाओ इसको याद जरूर रखें, क्योंकि ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आज का सोर्स कन्वर्जन वाला टॉपिक, इसके अंदर क्या होता है, हमें सोर्स को कन्वर्ट करना होता है। कि मान लीजिए आपके पास वोल्टेज सोर्स है उसको करंट सोर्स में बदलना है तो क्या करेंगे। सपोज़ देखिए प्रैक्टिकल केस ये ले रहे हैं, ये वोल्टेज है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया ये RS। जब करंट में बदलोगे ना तो पहले तो आपको ये डायग्राम याद रखना कि करंट का जब हम लोग करंट सोर्स का डायग्राम बनाते हैं उसमें कैसा कनेक्शन होता है। तो भाई एक करंट सोर्स होता है और एक रेजिस्टेंस होता है जो इसके पैरेलल होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पहले ही से आपको यहाँ पे बता कर रख चुके हैं हम
प्रैक्टिकल केस में करंट सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स होता है रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में, तो बस वही काम करना आपको, कर दिए। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है कि ये चीज़ दिया हुआ रहेगा ये निकालना है, तो करेंगे क्या, करंट है ना, तो करंट का वैल्यू निकालेंगे। करंट का वैल्यू कितना होता है, वी एस बाई आर एस, तो वी एस यहाँ आर एस यहाँ, बस ये रिप्रेजेंट कर देंगे, वो आई एस हो जाएगा। और ये क्या लिखेंगे, वो रेजिस्टेंस जो कि आपने जिस चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हो जिस सोर्स को, उसका रेजिस्टेंस। ठीक, काफ़ी इजी है। आपको करना बस यही होता है कि आपको डायग्राम बना लेना होता है, करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो करंट सोर्स का डायग्राम बना लेंगे, और करंट है तो करंट का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, वी एस बाई आर एस होता है, और जो रेजिस्टेंस हो तो लिखेंगे ही। उसी तरीके से करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करोगे, करंट सोर्स आपको दिया हुआ रहेगा, ये तो करना है वोल्टेज सोर्स में, तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज सोर्स का डायग्राम याद रखना होगा। वोल्टेज सोर्स का डायग्राम होता है क्या है, एक वोल्टेज और सीरीज में रेजिस्टेंस। ठीक है, अब वैल्यू कितना होगा तो वो निकालेंगे इसके मदद से। देखिए वोल्टेज बना दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई एस और आर एस का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि वी इक्वल टू आई आर होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रेजिस्टेंस है वो तो लिखेंगे ही। ठीक है, तो होप सो ये आपको समझ में आ गया हो, अदरवाइज हम तो जूम क्लास पर इसका लिए हुए हैं लेक्चर, वहाँ से आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना है, पढ़ना है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नेक्स्ट क्लास में जूम ऐप पर आप पूछ लेंगे। थैंक यू।